नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम जनता रिपोर्टर में। हमारा नया कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप अपनी समस्याएं, अव्यवस्थाएं हम तक भेजिए, ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को जनप्रतिनिधियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक पहुँचा सकें। पहले एपिसोड में कुछ समस्याएँ भेजी थी मैंने, ये अगला एपिसोड है, इसमें भी कुछ एक चीज़ों से हम रूबरू होंगे और तमाम चीज़ों से रूबरू करवाने का ये जो क्रम हम अलग अलग जगह पर जाकर निभाते हैं, आज हम जेके सर्किल स्थित माजी कैफे से आप तक ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनता रिपोर्टर की पहली समस्या से। ये नगर परिषद क्षेत्र की ही एक समस्या है, कुलदीप जी नंदवाना राजनगर क्षेत्र से, उन्होंने एक गंभीर समस्या की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया जो कबूतर खाने से लेकर जो हाईवे की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। स्क्रीन के दृश्य आपको दिखा रहे होंगे कि वास्तव में उनकी बातों में कितना वजन है, और उनकी ये तो तमाम चीज़ें जो फोटोग्राफ्स के साथ साथ उन्होंने जो मुद्दे से मुझे रूबरू करवाया और साथ साथ उसको दुरुस्त करने के लिए उनकी कोशिशें हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं कुलदीप जी को एक जागरूक नागरिक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शहर को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर ये लगातार सोशल मीडिया पर सीधे संपर्क के माध्यम से हर एक प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉलोनी में, इस गली में साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है तो थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है, मगर वो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रोड है जो लोगों को कनेक्ट करती है, तो इसको साफ़ सफाई से रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जब समस्या दर्ज करी तो मुझे ये भी सुनने में आया कि ये शायद हाईवे अथॉरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद उन्होंने संपर्क पोर्टल पर भी, इस पर संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी इन्होंने इस समस्या को उठाया और वो तमाम कोशिशें की जिसके माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सके, मगर उनको कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा फिर मुझे मजबूरन ये आपके संज्ञान में लाना पड़ा, ये आप तक भेजना पड़ा। तो हो सके तो, क्योंकि इन शहर के सौंदर्यीकरण की काफ़ी सारी चीज़ चल रही है, तो अभी अगर ये एक और उनका एक बहुत बेहतरीन बात में नगर परिषद और तमाम जो अगर ये हाईवे अथॉरिटी भी है तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही, कई जनप्रतिनिधि आए और चले गए पर आज तक कबूतर खाना से NH-8 जाने वाली रोड का उद्धार नहीं हुआ। तो यकीनन एक बहुत लंबे समय से लंबित पड़ी समस्या के समाधान का एक बहुत अच्छा अवसर है। मुझे विश्वास है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ काम करते हुए कुलदीप जी नंदवाना के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस समस्या से चलते हैं हम थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में, फरारा की तरफ चलते हैं। वहाँ की एक दिक्कत बताई गई है और वो दिक्कत मुझे भेजी है वहाँ के एक वार्ड पंच ने, गणपत सिंह जी उनका नाम होता है। उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे वहाँ से मुझे और मुझे कहा कि भाई साहब ये जो फोटोग्राफ्स है, जिस फोटोग्राफ्स के अंदर आपको एक आम आने जाने के रास्ते में जो जितनी ज़ोरदार तरीके से गंदगी दिखाई दे रही है और जो पानी भरा हुआ है उससे ना केवल आने जाने वाले लोग बल्कि यहाँ पर जो बच्चे इधर उधर से गुजरते हैं उनको भी बड़ी तमाम तरह की तकलीफें होती है, तो किसी तरह से ये एक दुरुस्त करवाइए। उन्होंने साथ में देखिए लोग कितने, ये वार्ड पंच भी है, गणपत सिंह जी नाम है इनका, और इन्होंने कहा कि मैंने अपने स्तर पर सारी कोशिशें कर ली है, कहीं पर कुछ हो सकता है चीज़ें जैसे वो चाहते हैं वैसे जा नहीं रही हो, मगर आखिर में उनका कहना है कि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं इस पहाड़ का वार्ड पंच भी हूं तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, तो मैं चाहता हूं किसी तरह से इस एक समस्या का समाधान हो ताकि आने जाने वाले लोग, विशेषकर बच्चे, वो तमाम लोग थोड़ा सा बेहतर फील कर सके, अच्छा लग सके। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मैंने दो बातें तो आप तक पहुँचा दी। तीसरी बात के लिए पुनः हम नगर परिषद आते हैं, मगर ये थोड़ी अच्छी चीज़ है और ये मुझे भेजी है मंडा से कपिल जी पालीवाल ने, और उन्होंने ये जो एक वीडियो जो भेजा उसके बाद माध्यम से उन्होंने कहा कि चलिए ये दृश्य देखकर अच्छा लगा, जिस वीडियो के माध्यम से उन्होंने जेके गार्डन के अंदर जो नए बच्चों के लिए खिलौने और काफ़ी सारा सामग्री लगी है वहाँ पर उन्होंने एक वीडियो भेजा और उस दृश्य के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से कहा कि देखिए बच्चे कितने खुश हैं, बच्चों के लिए कितनी नई नई चीज़ें आ गई और बच्चे कन्फ्यूज है कि हम पहले किसका आनंद लें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके खुद के शब्द थे कि ऐसा लग रहा है यार यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। तो यकीनन उस वीडियो के माध्यम से जो हमको एक बच्चों का मेला दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद ने एक अच्छी पहल की है। तो हमने कोशिश की कि चलिए दो समस्याओं के साथ एक अच्छी खबर भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे। पुनः आपको याद दिला दूँ, पहले जनप्रतिनिधियों और सभी से लोगों से आग्रह करूँ कि इन समस्याओं की तरफ ध्यान दें। समस्या भेजने वाले और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों के लिए मैं पुनः एक बार याद दिला दूँ कि आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी व्यापक समस्या है सार्वजनिक तौर पर जिससे लोग परेशान हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में ज़रूर भेजें। आपका नाम और नंबर ज़रूर भेजें, नाम पता ज़रूर भेजें, ताकि आपके नाम के साथ वो खबर दिखाई जा सके। जागरूक लोग जो तमाम कोशिशें करते हैं उन कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म देने की
कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः याद दिला दूं कि वाद विवाद जिनमें हो, न्यायिक मामले जिनमें लंबित हो, उन विषयों को थोड़ा छोड़े, व्यक्तिगत विषय को भी थोड़ा सा इग्नोर करें, सार्वजनिक लाभ के जो विषय हैं वो अवश्य हम तक भेजें। और हमारे इस कार्यक्रम के जो विषय उठाए जाते हैं अगर उनमें से किसी का समाधान हो तो भी हमें सूचित करें, और नहीं हो तो भी हमें सूचित करें ताकि आगे कार्यक्रम में हम इस विषय को पुनः उठा सकें। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह है कि अगर आपको लगता है कि इन समस्याओं के समाधान में कोई टेक्निकल रीज़न है तो उससे भी हमको अवगत कराएं ताकि हम आपकी बात भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकें। तो तुरंत भेजिए कुछ आपको लगता है कि ये विषय और उठाने जाने चाहिए तो हम तक भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, जनता रिपोर्टर के माध्यम से तमाम खबरें आप तक पहुँचे, तमाम समस्याएँ संज्ञान में लाई जा सके। और इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम से विदा लूँ, एक बार पुनः माजी कैफ़े का धन्यवाद करूँगा। बड़े अच्छा सेटअप है और सेटअप में बैठकर ये कार्यक्रम बनाने का बड़ा ही आनंद आया है। कोशिश करेंगे कि न केवल आपकी समस्याओं के माध्यम से ये कार्यक्रम को बेहतर बनाए, बल्कि जब इस प्रकार से लोग सहयोग देते हैं कि आइए हमारे यहाँ प्रोग्राम बनाइए, वो भी एक अच्छा लगता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।